हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि थ्रो बॉल के बारे में हम सारी वीडियो आपको बताएंगे, सारी स्किल्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप सभी हमारे जो चैनल है सोनू मोनू के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, जो वीडियोज़ हैं हमारी उनको लाइक करें, ताकि हमारा और जो हौसला है वो बढ़ेगा, हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए देंगे। तो आज जो है, मैंने पहली वीडियो में आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अभी मैं आपको गेम के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ। थ्रो बॉल कैसे खेला जाता है, इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं और कितने मतलब स्कोर का ये मैच होता है, किस प्रकार से कोई जो टीम है वो विजेता इसके अंदर होती है, और ग्राउंड के बारे में जो है हम लोग स्पेशली एक क्लास आपको ग्राउंड के बारे में देंगे, ग्राउंड कैसे अपने मार्क करना है। तो थ्रो बॉल के बारे में देखिए, इसके अंदर एक टीम के अंदर कुल मिला के 15 खिलाड़ी होते हैं, ओवरऑल एक टीम के अंदर 15 खिलाड़ी होते हैं, उनके चेस्ट नंबर भी 15 तक ही होते हैं, और एक टीम के साथ एक कोच एंड मैनेजर रहता है। उसके बाद जो टीम के अंदर जो प्लेइंग करते हैं वो 7 खिलाड़ी प्लेइंग करते हैं, रोटेशन के बारे में स्पेशली क्लास आपको दूंगा। जो 7 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं उनके अंदर जो है पूरे एक सेट के अंदर जो एक मैच रहता है वो बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 हम लोग रख सकते हैं। जो सेमीफाइनल मैचेज है बेस्ट ऑफ 5 रखे जाते हैं, और जो लीग मैचेज रहते हैं, लगभग जो नेशनल टूर्नामेंट हमारे होते हैं, लीग कम नॉकआउट रहते हैं, ये जो फिक्चर रहते हैं फिक्चर के ऊपर भी स्पेशली आपको मैं क्लासेस दूंगा कि किस प्रकार से लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट खेले जाते हैं, किस प्रकार से विजेता का जो है पता लगाया जाता है कि कौन सी टीम सबसे अच्छी है। तो जैसे कि मैच के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो मैच है बेस्ट ऑफ 3 अगर रहेगा तो हर सेट रहेगा 25 नंबर का रहेगा, और 25 पर जो है नंबर एक सेट के अंदर, मतलब कि 3 में से 2 सेट एक टीम को जो है जीतने होते हैं एक मैच को जीतने के लिए। जो पहला सेट है वो 25 नंबर का रहेगा, दूसरा 25 नंबर का रहेगा, तीसरा भी 25 नंबर का रहेगा, और अगर तीसरा सेट लगता है तो जो है 13 नंबर पर ग्राउंड को चेंज करते हैं। जैसे ग्राउंड का मतलब क्या कि जब 13 नंबर हो जाएंगे अगर तीसरा सेट लगता है तो, अदरवाइज जो है पहला सेट खेलने के बाद एक टीम दूसरे ग्राउंड में कोर्ट में और दूसरी टीम मतलब कि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद जो है जो टीम पहला सेट जीतती है और मतलब कि दूसरी टीम के पास वैसे प्रेशर तो रहता है, वो मैच की सिचुएशन में आपको जैसे कि मैच आपको लगातार मैं लाइव भी दिखाऊंगा, जो हमारे यहाँ हम लोग 2-2 की मतलब कि टूर्नामेंट अक्सर कराते रहते हैं, गांव की काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे गांव के अंदर थ्रो बॉल के। तो थ्रो बॉल के बारे जैसे मैंने आपको बताया कि 7 खिलाड़ी एक ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, और जो सेट है वो बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 होते हैं, एक सेट 25 पॉइंट का होता है, जो टीम सबसे पहले 25 पॉइंट स्कोर कर लेती है वो मैच की विजेता हो जाती है। गेंद के बारे में और उसके बाद इसकी कैचिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।